नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक ले लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, विथ प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंस, इज एग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने अंडा के मांसाहारी या शाकाहारी होने पर बहस पर विराम लगा दिया है। हालांकि अब भी कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ साइंटिफिक बात कर रहे हैं। पहले अंडा आया या मुर्गी, अंडा मांसाहारी है या शाकाहारी, मुर्गी ही तो अंडा देती है तो ये नॉनवेज हुआ अर्थात मांसाहारी हुआ। दुनिया में ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। लगातार ये सवाल चर्चा में रहते हैं और दुनिया में इनको लेकर अलग अलग विचार भी हैं। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। इन वैज्ञानिकों ने अंडा के मांसाहारी या शाकाहारी होने पर बहस पर विराम लगा दिया है। हालांकि अभी कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ साइंटिफिक बात रखेंगे। तो आइए जानते हैं अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। शाकाहारी लोग अंडे को मांसाहारी बताकर नहीं खाते। उनका तर्क होता है कि अंडा मुर्गी से आता है, इसलिए जब मुर्गी नॉनवेज हुई तो अंडा भी नॉनवेज ही है। लेकिन साइंस कहती है दूध भी जानवर से ही निकलता है, तो वो शाकाहारी कैसे? दोस्तों, अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर लोगों की गलतफहमी है कि अंडे से बच्चा यानी चूजा निकलता है। लेकिन अगर आप इस कारण से अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो आपको बता दें कि बाज़ार में मिलने वाले ज़्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, उनमें कभी भी चूजे बाहर नहीं निकल सकते। बता दें कि मार्केट में आने वाले सभी अंडों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी फर्टिलाइज अंडों को भी अनफर्टिलाइज के साथ शामिल कर दिया जाता है। दोस्तों, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। दरअसल अंडे में तीन लेयर होती हैं, पहला छिलका, दूसरा सफ़ेदी जिसे साइंस में एल्बुमेन बोलते हैं, और तीसरा अंडे की जर्दी जिसे योक बोलते हैं। जर्दी वही अंडे के पीले वाले भाग को बोला जाता है। अंडे पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक अंडे की सफ़ेदी में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं होता, इसलिए तकनीकी रूप से एग वाइट सफ़ेदी शाकाहारी होता है। इसके अलावा एग वाइट की तरह ही अंडे की जर्दी में प्रोटीन के साथ सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है। यही पार्ट अंडे को शाकाहारी और मांसाहारी दोनों बनाता है। अर्थात अगर तो अंडा फर्टिलाइज्ड है यानी मुर्गा मुर्गी के संपर्क के बाद का अंडा मांसाहारी होता है, क्योंकि उनमें गैमिट सेल्स मौजूद होता है जो उसे मांसाहारी बना देता है। एक सबसे ज़रूरी बात, क्या मुर्गी अंडा बिना मुर्गे के संपर्क में आए बिना ही अंडा दे सकती है? तो जवाब है जी हाँ। अंडे देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह किसी मुर्गे के संपर्क में आई हो। इन अंडों को ही अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उनमें कभी भी चूजे नहीं निकल सकते हैं, इसलिए अनफर्टिलाइज्ड अंडे शाकाहारी की कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल उठता है कि अनफर्टिलाइज्ड अंडे कहाँ मिलेंगे, कैसे जानेंगे? इसके लिए अगर आप अंडे रजिस्टर्ड एग फार्मिंग से लेंगे तो वहाँ पर 100% अनफर्टिलाइज अंडे मिल सकते हैं, वरना लोकल फार्मिंग वाले पैसा कमाने के चक्कर में फर्टिलाइज एग को भी निकाल देते हैं। जबकि इसके लिए सरकार की गाइडलाइन भी है कि फर्टिलाइज एग नहीं बेचा जा सकता। अब मैं आपको इस बात पर अपना फाइनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। दरअसल जो मुर्गी के एग्स यानी अंडे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि महिलाओं की एमसी के दौरान ओबरी से निकला हुआ एग्स जैसा ही होता है, जिसे ओबम बोला जाता है। यही ओबम महिलाओं के हर मासिक चक्र के दौरान ब्लड के साथ बाहर निकलता है, और अगर यही एग्स पुरुष के संबंध बनाने पर फर्टिलाइज हो जाता है तो वह यूट्रस में जाकर भ्रूण अर्थात बच्चे का निर्माण करने लगता है। जबकि मुर्गी में बच्चे का निर्माण उस एग के अंदर ही होता है जो मुर्गी अंडा बाहर निकालती है, और अगर अंडा बाहर निकलने से पहले मुर्गी नर मुर्गे के साथ संबंध बना लेती है तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और फिर उस अंडे में बच्चे का निर्माण होने लगता है। और एक बात और, हमारे देश में अजब प्रथा है कि अगर महिलाओं को एमसी आ जाता है तो उनके हाथ का बना खाना नहीं खाते,
जबकि अंडे को बड़े चाव से खाते हैं। तो है ना कमाल की बात। अब एक बात, अगर आप अंडे को सिर्फ प्रोटीन के लिए खाते हैं तो बता दें कि सोयाबीन के बीज में जितनी प्रोटीन होती है दुनिया के किसी भी चीज़ में इतनी प्रोटीन नहीं पाई जाती। एक बात और, शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी लोगों में कैंसर होने का खतरा 23 गुना ज़्यादा होता है। अब लास्ट में एक ज़रूरी बात, अगर आप अंडे का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हार्ट अटैक और शुगर जैसे रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर मोटे और थुलथुले लोगों में जो 30 से 35 वर्ष के ऊपर हैं। आज सबसे ज़्यादा मोटे और शुगर के पेशेंट अमेरिका में ही हैं और इसके पीछे इस मुर्गी के अंडे का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ज़्यादातर फास्ट फूड, बिस्किट, केक इत्यादि सब में धड़ल्ले से अंडे का प्रयोग होता है। अच्छा, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप अंडे का शौक रखते हैं तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करें जब भी आप अंडा खाएं तो कम से कम अंडे के पीले वाले भाग को खाने से बचें, क्योंकि इसमें जहां भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे हार्ट अटैक स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ भरपूर मात्रा में फैट होने के कारण मोटापा और फिर उसके बाद शुगर।